गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ। बस मुंह वगैरह धोया है मैंने, तो चलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ घर में। और देखिए आंखें कैसे सूजी सूजी सी हो रही है मेरी, दोनों आंखें। बहुत पेन भी होता है इनमें, नींद की वजह से ही होता है ये। बहुत ज्यादा स्वेलिंग सी होती है जब उठती हूँ तो। तो चलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह की झाड़ू, फिर उसके बाद में अपना आगे का काम करते हैं। झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, आपसे बाद में मिलती हूँ। मैंने नहा लिया है और अब थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, फिर चलेंगे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेस फैमिली व्लॉग्स, मैं अंशु शर्मा। आप सब कैसे हैं? आई थिंक ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं किचन में नाश्ता बना लेते हैं। मम्मी जी ने कहा है कि चाय के साथ ब्रेड सेक देना, तो अब चाय बना लेते हैं और ब्रेड सेक लेते हैं। नाश्ता सभी को दे दिया है और साथ ही मैंने पूजा भी कर ली है, बस भगवान जी का भोग लगा दूं। तो चलिए अब किचन में आ गए हैं हम। मैं भी कुछ खा पी लेती हूँ पहले थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। ये बनाया है मक्खन, तो अभी से निकाल लूंगी मैं दूसरे बर्तन में। अभी से निकाला नहीं है, बस मक्खन अलग हो गया है ये। दोपहर का खाना हमारा हो गया है सबका, और दोपहर के खाने में बनाए थे बैंगन भर के, भरवा बैंगन जिसे कहते हैं। और किचन का सारा काम भी फिनिश हो गया है, बर्तन वगैरह साफ हो गए सारे। ये करेले बनेंगे शाम को, भरवा करेले, तो इन्हें छील लेते हैं। और किस तरह से हम बनाते हैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए पहले इन्हें काट लेती हूँ। धोकर मैंने इन्हें रख लिया था, फ्रिज में से निकाल के रख दिया है। एक दो दिन हो गए मम्मी जी सब्जी लेकर आई थी, तब लेकर आई थी। बहुत अच्छे रहते हैं करेले, और भरवा करेले तो बहुत टेस्टी बनते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं करेले, थोड़े से कड़वे होते हैं। करेलों को मैंने छील लिया है, ये इसका छिलका निकला हुआ है, इसे रख लिया है, फेंकेंगे नहीं इसे। जो करेले भर के बनाते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। और देखिए इस तरह से कुछ इसे अंदर से इसका सारा निकाल दिया, जो बीज वगैरह होते हैं ये देखिए एकदम साफ कर दिया, सारे बीज निकाल दिए हैं, सब में से ही निकाल दिए हैं, ये देखिए इनमें बीज नहीं है, सारे क्लीन कर दिया अंदर से। ये देखिए एकदम साफ है, ये अंदर से इसके सारे बीज निकाल दिए, कच्चे कच्चे बीज थे पर फिर भी निकाल दिए। अब इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक थोड़ा इसमें ज्यादा डाला जाता है। और दो से तीन घंटे के बाद इन्हें अच्छे से धोकर तब इन्हें बनाया जाएगा। बहुत सारी प्याज भी पड़ती है इसमें, तेल वगैरह का यूज ज्यादा ही होता है इसमें, काफी सारा नमक डाला जाता है। तो अब इन्हें रख देती हूँ मैं ढककर।
ये देखिए इनको 3-4 घंटे हो गए हैं नमक में रखे हुए, और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी सा है। इधर देखिए अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो, ये देखिए पानी आ गया, पानी छोड़ दिया थोड़ा सा, इनका कड़वापन जो है अब निकल जाएगा इसे धो के रखेंगे तो। तो चलिए पहले इन्हें धो लेते हैं, थोड़ी देर फिर इन्हें पानी में डाल देते हैं जिससे कि इजीली गल जाए। इसे भी धो लिया, करेलों को भी धो लिया है, अब इन्हें धो के पानी में डाल दिया है। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रखेंगे, और अब मैं प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तेल चढ़ा दिया है फ्राई पैन में, और इधर देखिए प्याज और मिर्ची भी काट ली है। बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत होती है करेलों में, और ये देखिए करेले को भी निकाल लिया है पानी से। तो पहले अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब ये मसाला ठंडा हो गया है, तो अब इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इस मसाले को करेले के अंदर भर देंगे। देखिए करेलों को मैंने भर लिया है, करेलों को धागे से बांध दिया है ताकि इनका जो ये मसाला है ये बाहर ना निकले जब ये बनेंगे उस टाइम पर, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मसाला भरा हुआ है, अदरवाइज इन्हें बांधते नहीं है। आज कुछ ज़्यादा ही मसाला है, और ये देखिए कितना खुला हुआ भी है, तो इस वजह से इन्हें बांध दिया है, नहीं तो सारा मसाला बाहर निकल जाता। और देखिए मैंने उसी वाले बर्तन में तेल चढ़ा दिया है जिसमें मसाला बनाया था, तो अब इन्हें इसमें थोड़ा गर्म हो गया है तेल, एक एक करके इसको ऐसे ही रख देंगे। इस पर हल्का हल्का सा नमक डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया है ऊपर से, अब इसे ढक देंगे। और साथ ही इधर घी बन रहा है, मक्खन निकाला था सुबह तो उसी का घी बन रहा है। करेले के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, जैसा कि आपने देखा है बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया इसमें। इसे ढक देते हैं, एकदम स्लो गैस रखेंगे, और ये धीरे धीरे बनते रहेंगे, बीच बीच में इनमें चेक करना पड़ेगा। इसको चारों तरफ से पलट पलट के पका लिया है अच्छे से, और देखिए साबुत हैं, बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है, धागा बांध दिया था इस वजह से। ये देखिए बहुत अच्छे से बन गए हैं, और ये देखिए गल भी गए हैं, ये देखिए कितना इजीली टूट जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए कट भी गया। अब ये खाने के लिए रेडी हैं, सर्व कीजिए और खाइए। खाने से पहले इनका धागा जरूर निकाल लीजिएगा। कौशल, मम्मी जी कौशल को चावल खिला रही हैं, कौशल सोकर उठे हैं अभी, और ये अब चावल खा रहे हैं, पहले बिस्किट खा रहे थे,
मुंह तो कर देगी और को खुशी उठाओ इधर आओ आप भी खाओ आओ खुशी दे ये चावल है इनमें एक चम्मच बूरा डाली हुई है और इनमें घी डला हुआ है बच्चों के लिए प्लेन चावल है ले भी ले खुशी लो भी चावल खाओ खा रहे हैं और भाग रहे हैं अलग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खिलाना ये खुशी तो कुछ खाने ही नहीं देती है खुशी ले खुशी हट फोन मार दे पापा मुझे गिर जाता अभी अभी गिर जाता नीचे कौशल तो ठीक से खा भी ले रहा है और खुशी तो फोन मिल गया है आज इसे चुपचाप से आज इसने फोन ले लिया है तो फिर ये खा ही नहीं रही है उसी में लगी हुई है सोच रही है कि दोबारा मिलेगा जिन कब मिलेगा खाई नहीं रही है ले खुशी कितने दिन बाद मुझे मिले फोन तो इसलिए ये फोन के चक्कर में खाना ही नहीं खा रही है खिलाना ही बड़ा भारी है ये नहीं खाती है कौशल तो खा देता है फिर भी वो तो और ये कौशल तो बार बार खाट पे जा रहे हैं और बार बार बेड पे आ रहे हैं ऊपर नहीं और कौशल पचा भी रहा है साथ के साथ ले ले पचा भी रहा है और अटैक कर रहे हैं पूरी प्लेट पे कि एक साथ ही मिल जाए सारी प्लेट मुझे चावल की बस बाय कर दे बाय कर बाय बाय गुड नाइट कौशल आ जा डिनर हमारा हो गया है बच्चों का हो रहा है डिनर और अभी हो रहा है बच्चों का ये देखिए इधर मम्मी जी खिला रही हैं जैसा कि अभी अभी आपको शेयर भी किया था आपके साथ में तो इसी के साथ में आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू